बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो गाइस। आज की इस वीडियो में मैं लेकर आ चुका हूँ आप सभी के लिए बहुत ही कमाल का ट्रैफिक सोर्स, जिसके ज़रिए आप अपनी वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक लेके जा सकते हैं। अगर आपको कोई भी ट्रैफिक सोर्स नहीं है और आप इस महंगाई में अर्निंग करना चाहते हैं, तो येस गाइज, मैं इसी तरह आपके साथ जो वो ट्रैफिक सोर्स जो है वो शेयर करता रहता हूँ। आप हमारे चैनल को विज़िट कर सकते हैं, यहाँ पर और भी मैंने काफ़ी सारे ज़बरदस्त तरीके के आपको जो वो ट्रैफिक सोर्स बताए हुए हैं, जिनसे आप अपनी वेबसाइट के ऊपर डेली के हिसाब से 10,000 से 20,000 तक ट्रैफिक लेके जा सकते हैं। डिपेंड करता है आपके वर्क के ऊपर कि आप वर्क कैसा कर रहे हैं। सो गाइज, ये हमारा यूट्यूब चैनल है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा हुआ तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप जब सब्सक्राइब करेंगे बेल नोटिफिकेशन का ऑप्शन आएगा, आपने उसके ऊपर भी क्लिक कर देना है और जो है आपने हमारी इस फैमिली का हिस्सा बन जाना है, ताकि आपको इस तरह की मज़ेदार वीडियोज रूटीन डेली रूटीन के साथ जो है वो मिलती रहे। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि आप किस तरह से अपनी वेबसाइट के ऊपर जो है वो ट्रैफिक लेके जा सकते हैं। सो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, जो वेबसाइट रहने वाली है यहाँ पे, सबसे पहले जो मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे इसके ऊपर जो मंथली विजिटर आते हैं वो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये यहाँ पे जो है विजिटर आ रहे हैं। उसके बाद एवरेज ड्यूरेशन यहाँ पे आपको नज़र आ रही है, पेज व्यू पर विजिट और ये सारी कुछ यहाँ पे आपको जो है वो चीज़ें नज़र आ रही हैं। उसके बाद अगर यहाँ पे हम इसकी बात करें यहाँ पे अगर कंट्री की, तो कंट्री आप देख सकते हैं यूनाइटेड जैसी कंट्री से यहाँ पे इस पर ट्रैफिक आ रही है। अब गाइस, इसकी जो ट्रैफिक है वो लो हुई है, तो लो किस वजह से हुई है आई डोंट नो, लेकिन इसकी ट्रैफिक जो है वो 8 मिलियन तक आती थी, इसकी लो हुई है, लेकिन अब दोबारा इंक्रीज़ हो रही है आहिस्ता आहिस्ता से। तो गाइज़, आपने टेंशन नहीं लिया, आपको अच्छी खासी ट्रैफिक यहाँ से जो है वो आप जनरेट कर सकेंगे, ठीक है। तो गाइज़, यहाँ पे अगर इसकी डोमेन अथॉरिटी की बात करें, डी आपको 72 देखने को मिलता है, पी आपको 62 देखने को मिल रहा है, और यहाँ पर जो है आप एलेक्सा वगैरह एज वगैरह आपको यहाँ पर जो है वो शो कर रहा है। हमने क्या करना है गाइज़, यहाँ पर सिंपली ट्रैफिक लेके जाना है। अगर आप बैक लिंक बनाना चाहें तो बना सकते हैं, लेकिन मैं आपको जो है वो प्रीफर नहीं करूंगा। अगर आप बनाना चाहें तो बना सकते हैं, कोई इशू नहीं है, लेकिन फिलहाल इसका जो है स्पैम स्कोर ज़्यादा हुआ हुआ है, 11 तक गया हुआ है, पहले 1 था, अभी 11 तक गया हुआ है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता से कम हो जाएगा। मे बी जब आप ये वीडियो देख रहे हो तब इसका जो है वो स्पैम स्कोर कम हो चुका हो। सो गाइस, यहाँ पे आपके सामने ये वाली वेबसाइट आ जाती है, ठीक है। इसको आपने कुछ इस तरह से ओपन कर लेना है, लास्ट में मैं आपको बताता हूँ कि आपने किस तरह इसमें अकाउंट बनाना है। कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा, आपने क्या करना है, अपने एडिट प्रोफाइल के ऊपर क्लिक करना है। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आपने इसमें अकाउंट बैकलिंक कैसे बनाना है। अगर आप बनाना चाहें तो डिस्प्ले नेम देना है, बायो देनी है, यहाँ पर अपने बारे में कुछ लिख देना है थोड़ा सा, ठीक है। लिखने के बाद गाइस यहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, लेकिन आप जब नीचे आएंगे यहाँ पर आपको लेबल मिल रहा है, यहाँ पर मैं दे देता हूँ मिनहास रिव्यू, ठीक है। यहाँ पे मिनहास रिव्यू देने के बाद आगे मैं जो है यहाँ पे लिख देता हूँ मिनहास रिव्यू, जो मेरी वेबसाइट का नाम है, मैं यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ मिनहास रिव्यूज़, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ मिनहास रिव्यूज़, और इस वेबसाइट का जो है मैं लिंक यहाँ से कॉपी कर लूँगा। लिंक कॉपी करने के बाद गाइस हम क्या करेंगे, इसको जाके वहाँ पे पेस्ट कर देंगे, ठीक है। मैं यहाँ से जो है इसका लिंक जो है उठा लेता हूँ HTTPS से, और मैं यहाँ पर जाने के बाद यहाँ पर डाल देता हूँ नाउ सेव चेंज के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। ये कॉन्टेक्चुअल बैक लिंक है, आपने टेंशन नहीं लेनी, ठीक है। इसके साथ साथ आप और भी बैक लिंक बना सकेंगे, मैं आपको बताता हूँ। अब हम इस वेबसाइट के मेन पेज पर जाते हैं, मेन होम स्क्रीन पर, ठीक है। वहाँ पे जाने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा गाइज। अभी मैंने अकाउंट बनाया, मैं थोड़े से लोगों को फॉलो कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे जैसे कि इनको फॉलो कर लिया, देन मैं जो है इसको रिफ्रेश कर दूंगा। रिफ्रेश करने के बाद गाइज यहाँ पे फॉलो पीपल यू लाइक एंड ब्ला ब्ला यहाँ पे आपके पास आ रहा है। यहाँ पे आप होम कर सकते हैं, नोटिफिकेशन एक्सप्लोर के ऊपर आपको जो है जो लोगों ने पोस्ट वगैरह की होंगी वो यहाँ पे आपको शो करेगा गाइज। आप देख सकते हैं कुछ लोगों ने पोस्टिंग की हुई है 4 घंटे पहले, और यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी रीट्वीट वाला भी जिस तरह ऑप्शन है। वैसे एक आप सिंपल वर्डिंग में अगर कहें तो ये एक सोशल नेटवर्क है, जैसे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम इस तरह से, लेकिन इसका काम कुछ अलग है, मैं आपको बताता हूँ। अभी हमने क्या करना है, इसके ऊपर जो है हमने अपना आर्टिकल डालना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, हम जो है PLR आर्टिकल का यूज़ करेंगे, आप भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप अपनी वेबसाइट के लिए बनाना चाह रहे हैं, ट्रैफिक लेके जाना चाह रहे हैं, तो आपने सिंपली अपनी वेबसाइट का ही आर्टिकल उठाना है। यहाँ पे मैं PLR आर्टिकल उठा लेता हूँ, और इनको उठाने के बाद जहाँ पे जो है मैं फ़र्स्ट वाली वेबसाइट को ओपन कर लेता हूँ, यहाँ से मैं कोई भी एक मतलब कोई सा भी एक आर्टिकल उठा लेता हूँ, कोई इशू नहीं है, आप जो भी उठा लें। तो यहाँ पर जो है मैं फ़र्स्ट वाला आर्टिकल जहाँ पे आपके सामने शो कर रहा है थोड़ा सा उठा लेते हैं। फर्स्ट आपने इसका टाइटल कॉपी करना है,
उस वेबसाइट के ऊपर जाना है। यहाँ पे वर्ड्स ऑन योर माइंड के ऊपर आपने इसको पेस्ट कर देना है। दोबारा आपने यहाँ पे आना है, यहाँ पे आपने जो है इसका थोड़ा सा कॉपी कर लेना है, ठीक है। कॉपी करने के बाद इसको आपने दोबारा उस वेबसाइट के ऊपर जाना है, आपने दोबारा जो है इंटर प्रेस करके इसको जो है वो पेस्ट कर देना है। कुछ इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ये जो है सारा कुछ आ रहा है, यहाँ पर आप इसको सेट कर सकते हैं, ठीक है, ग्रामर वगैरह को, ठीक है। तो अगर आप करना चाहें तो कोई इशू नहीं है इसका, ये नहीं है कि अगर आप नहीं करेंगे तो इशू बनेगा, नो इशू, ठीक है। कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा। यहाँ पे आप इसकी इंग्लिश वगैरह भी चेंज वगैरह कर सकते हैं। सारा आपको सी डब्ल्यू का ऑप्शन मिलता है, राइट योर राइटिंग हेयर। आप यहाँ पे दोबारा टाइटल डाल सकते हैं, ठीक है। इसको मैं कट कर लेता हूँ और यहाँ पे डाल देता हूँ। कुछ इस तरह से भी आप डाल सकते हैं। यहाँ पे आप इमेज भी डाल सकते हैं, ठीक है गाइस। इमेज आप यहाँ पर जो है वो पोल वगैरह भी क्रिएट कर सकते हैं, तो मुझे पोल की ज़रूरत नहीं है, राइट। यहाँ पर जो है आपने इसके ऊपर क्लिक करना और यहाँ से जो है आपने एक इमेज सिलेक्ट कर लेनी है। मैं यहाँ पर ये वाली इमेज अपलोड कर देता हूँ। ये वाली इमेज अपलोड करने के बाद डायरेक्टली आप यहाँ क्यों यहाँ आके आप जो है वो लिंक पेस्ट कर सकते हैं गाइस, ठीक है। यहाँ पे ये सिलेक्ट वाला सीन नहीं है यहाँ पे, ठीक है। सिलेक्ट वाला यहाँ पे सीन है, आप डायरेक्टली यहाँ पे लिंक पेस्ट कर सकते हैं। लाइक मुझे जो है वो मिनहास रिव्यू का लिंक चाहिए मेरी वेबसाइट का, और मैं जाऊँगा उसी वेबसाइट के ऊपर और यहाँ पर नीचे मैं जो है लिंक पेस्ट कर दूँगा। तो नाउ ये एक कॉन्टेक्चुअल लिंक है, यहाँ पे जो भी क्लिक करेगा वो डायरेक्टली आपकी जो है वो वेबसाइट के ऊपर इनडायरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और इसको कट कर देता हूँ मैं, ओके, ठीक है। अब इसको आपने क्या करना है, आपने सिंपली जो है वो पब्लिश के ऊपर क्लिक कर देना। आप मीडिया को सेंसिटिव भी कर सकते हैं, मैं इसको पब्लिक के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। तो हमारी जो पोस्ट है गाइज वो पब्लिक हो चुकी है। यहाँ पे आप हैशटैग यूज़ कर सकते हैं, यहाँ से आपको जो है वो अच्छी खासी जो है वो ट्रैफिक आप जनरेट कर सकते हैं अपनी वेबसाइट के लिए गाइज। यहाँ पे आप देख सकते हैं लोगों की पोस्टों के ऊपर जो है लाइक्स भी आ रहे हैं, रीट्वीट भी आ रहे हैं, शेयर्स भी आ रहे हैं। तो आपने इस चीज़ की टेंशन नहीं लेनी, आपकी वेबसाइट के ऊपर भी यहाँ से ट्रैफिक इजीली जाएगी। हैशटैग भी हैं, न्यूज़ भी हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं। आप इन सभी ट्रेंडिंग में हिस्सा ले सकते हैं गाइज, और इजीली आप जो है यहाँ पे, जैसा कि यहाँ पे आपको ये ऑप्शन मिल रहा है, यहाँ से आप पोस्ट करेंगे। यहाँ पे आपको जो पोस्ट का ऑप्शन मिलता है, हैशटैग का, न्यूज़ का, फॉर यू का ऑप्शन मिल रहा है हमारे लिए। यहाँ पे आप पोस्टिंग देख सकते हैं, इस ग्रुप में कितनी पोस्टिंग हो रखी है, फॉलोअर कितने हैं, फॉलोइंग कितनी है। तो ये सारी चीज़ें गाइज आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं, इनको फॉलो कर लेंगे। जितनी ज़्यादा आप फॉलो कर लेंगे उतनी ज़्यादा आपके पास एक रीच होगी, आपके पास ऑडियंस आएगी। तो कुछ इस तरह से आप अपनी वेबसाइट के ऊपर जो वो ट्रैफिक लेके जा सकते हैं। वीडियो कैसी लगी कॉमेंट करके लाजमी बताना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना। अपना बहुत सारा ख्याल रखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़। और हाँ गाइस, इस वेबसाइट का नाम है मास्टरडॉन, ठीक है, मास्टरडॉन सोशल मीडिया। और यहाँ पे आप जो इजीली लॉगिन कर सकते हैं। मैं इसको लॉग आउट करके आपको एक दफ़ा लॉगिन करने का तरीका बता देता हूँ गाइस। यहाँ पे आपने जो है, मैं साइनअप के ऊपर क्लिक करता हूँ। साइनअप के ऊपर क्लिक करने के बाद गाइस यहाँ पे आपको यूज़र नेम डालना है, ईमेल एड्रेस, पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड एंड कंफर्म पासवर्ड डालने के बाद गाइस आपने जो है सिंपली साइनअप के ऊपर क्लिक कर देना है। आई एग्री के ऊपर क्लिक करने के बाद देन आपको जो है आपके जी मेल अकाउंट पर ये वाली मेल जाएगी और आपने यहाँ पर वेरीफाई मेल कर देना है। एंड देन गाइज आप जो है इस वेबसाइट के अंदर लॉग इन कर लेंगे। सो गाइज बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने का, और इसी तरह प्यार देते रहें। अपना बहुत सारा ख्याल रखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह नेकबान।